हेलो नमस्ते। आज का टॉपिक है दर्द के दवाओं के नुकसान, पेन किलर मेडिसिन साइड इफेक्ट। आप बहुत लंबे समय से किसी भी प्रकार का पेन किलर मेडिसिन ले रहे हो, या कोई पेन किलर इंजेक्शन लगा रहे हो, या इंट्रावेनस या इंट्रामसल या माउथ के जरिए कोई पेन किलर मेडिसिन ले रहे हो, तो बहुत लंबे समय से आपके शरीर में किस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है या किस टाइप के नुकसान हो सकते हैं पेन किलर मेडिसिन से, इसके बारे में जानते हैं। और पेन किलर मेडिसिन आपके शरीर में किस टाइप से वर्क करता है और किस टाइप से पेन को रिलीफ देता है, उसके बाद किन किन तरीके से आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, बोन में, मसल में या जॉइंट में किस टाइप से प्रॉब्लम क्रिएट करता है पेन किलर मेडिसिन, इसके बारे में जानते हैं। आपने पहली बार इस चैनल विजिट किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पेन किलर मेडिसिन या दर्द की मेडिसिन क्या होती है और ये हमारे शरीर में किस टाइप से वर्क करती है। जैसे कि हमारे बॉडी में चोट लगे या मसल में क्रैम्प हो या जॉइंट में पेन हो रहा है या किसी प्रकार का पेन है, तो हमारे बॉडी में पेन किलर मेडिसिन किस टाइप से वर्क करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। जब भी आपको चोट लगती है तो इस एरिया की सेल्स डैमेज होने से ये सेल्स एक केमिकल अर्किडोनिक को रिलीज करते हैं। इसको कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 एंजाइम्स प्रोस्टाग्लैंडिंस नामक पेन कॉजिंग केमिकल में कन्वर्ट करते हैं। अब ये केमिकल इस एरिया में मौजूद इन नोसिसेप्टर्स नर्व्स के जरिए पेन सिग्नल्स को ब्रेन तक भेजकर पेन और चोट की लोकेशन के बारे में बताते हैं, तो कुछ ऐसे आपके ब्रेन को पेन का पता चलता है। अब आप इस पेन को कम करने के लिए पेन किलर टैबलेट लेते हैं। ये टैबलेट आपके स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड के थ्रू लगभग 30 मिनट्स में आपकी पूरी बॉडी में पहुंच जाती है। आपको बता दूं कि पेन किलर को पता नहीं होता कि बॉडी में दर्द कहां पर है, इसलिए ये आपकी पूरी बॉडी में ब्लड के साथ सर्कुलेट होकर दो काम करती है। पहला, इन एंजाइम रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके पेन कॉजिंग केमिकल्स प्रोस्टाग्लैंडिंस के प्रोडक्शन को रोकती है, और दूसरा, नर्व सिस्टम को पेन सिग्नल्स ब्रेन तक भेजने से रोकती है। इससे आपका पेन कम हो जाता है। आप 3D वीडियो में जान चुके हो कि पेन किलर मेडिसिन लेने के बाद कैसे हमारी बॉडी का पेन कंट्रोल होता है या कम होता है। अब हम ये जानते हैं कि इन्हीं पेन किलर मेडिसिन से, मेडिसिन हो या इंजेक्शन हो या किसी प्रकार से हम पेन किलर मेडिसिन को ले रहे हैं, तो हमारे बॉडी में किस तरीके से नुकसान देखने को मिलता है और फ्यूचर में इनसे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसके बारे में जानते हैं। पेन किलर मेडिसिन साइड इफेक्ट, फर्स्ट है किडनी और लीवर डैमेज होने का खतरा बहुत अधिक होता है। सेकेंड, पेट में दर्द होता है और पेट में ब्लीडिंग होने की संभावना बहुत अधिक होती है। थर्ड है, बहुत अधिक ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है या ब्लड प्रेशर बहुत अधिक कम हो सकता है पेन किलर मेडिसिन लेने से। और बहुत आप लंबे समय से पेन किलर मेडिसिन ले रहे हो तो आपके शरीर में थकावट, कमजोरी, सुस्तपन, बहुत अधिक जल्दी थक जाना, इस टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और पेट में दर्द होना और पेट में जलन देखने को मिलता है, और एसिडिटी एंड गैस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, या पेट में कब्ज देखने को मिलती है, या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। और जो हमारे हार्मोन्स, रिलैक्सिंग हार्मोन्स होता है या पेन को कम करने वाले हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, उसे भी कम कर देता है पेन किलर मेडिसिन। और महिलाओं में एक कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है पेन किलर मेडिसिन लेने के बाद, उन्हें प्रेगनेंसी में बहुत अधिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सेकेंड, एमसी पीरियड में भी उनको बहुत अधिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है पेन किलर मेडिसिन लेने के बाद। इनके अलावा हमारे बोन वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, जोड़ जोड़ में दर्द होना स्टार्ट हो जाते हैं, या हमारी बोन घिसना स्टार्ट हो जाती है पेन किलर मेडिसिन लेने के बाद, या वीक हो जाती है बोन, और हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, या हमारा किसी प्रकार की बीमारी से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है पेन किलर मेडिसिन लेने के बाद। और हम पेन किलर मेडिसिन बहुत लंबे समय से ले रहे हैं तो हमारे पेट में सूजन, स्वेलिंग, अल्सर की प्रॉब्लम और कब्ज, और कई बार ब्लड की उल्टियां भी आ सकती है या खून की उल्टियां भी आ सकती है बहुत लंबे समय से हम पेन किलर मेडिसिन ले रहे हैं, तो ये सब कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है दर्द की दवा लेने से, बहुत अधिक लंबे समय से ले। जब दर्द की दवाओं से ये सब समस्या इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि हमारा पेट या हमारे शरीर पेन किलर मेडिसिन को सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पाती या पचा ही नहीं पाती, इसलिए पेन किलर मेडिसिन से बहुत अधिक साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं या बहुत अधिक नुकसान देखने को मिलती है। इसलिए पेन किलर मेडिसिन को लेना जितना तेजी से बंद कर सकते हैं उतना तेजी से बंद करें। हम 3D वीडियो से जानते हैं कि पेन किलर मेडिसिन लेने से हमारे बॉडी में किस स्टेप से वर्क करता है और उसके बाद किस स्टेप से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, इसके बारे में जानते हैं। पेन किलर्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं, थोड़ा सा बुखार हुआ ले बेटा पैरासिटामोल खा ले, अरे सिरदर्द ब्रूफिन का आराम पड़ेगा, मसल स्ट्रेन हुआ नहीं कि फ्लेक्सुरा डी के पीछे भाग लिए। लेकिन क्या आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है कि पेन किलर्स का रॉन्ग इंटेक आपकी जान तक ले सकता है? कैसे? समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेन किलर्स काम कैसे करती है। तो चैनल पर अपलोडेड इस पेन किलर्स वीडियो को पिंड कमेंट चेक करके देखो। पेन किलर्स के लॉन्ग टर्म यूज से आपकी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन यानी कि पीजी के प्रोडक्शन को कम कर देती है। इससे आपके स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ता है। अब ये एसिड आपके स्टमक में इस तरह से अल्सर्स बनाता है। अल्सर्स के अलावा पीजी की कमी के कारण आपकी ब्लड वेसल सही से स्टिमुलेट नहीं हो पाती, जिससे ब्लड फ्लो अफेक्ट होता है और इसकी किडनीज की सेल्स डैमेज होने लगती हैं। जबकि फीमेल्स में पीजी कम होने से मेंस्ट्रुअल साइकिल्स और प्रेग्नेंट औरतों को डिलीवरी के दौरान प्रॉब्लम्स होती हैं। स्ट्रॉन्ग पेन किलर के तौर पर ओपियोइड्स जैसे मोरफीन आपका नर्वस सिस्टम इन्फ्लुएंस करके आपको आराम देती हैं। इसे लंबे टाइम तक लेने से नशे की लत तक लग सकती है। अब आपको पता चल गया होगा कि पेन किलर या दर्द की दवाओं को लेने से किस किन तरीकों से हमारे शरीर में प्रॉब्लम देखने को मिलती है
और किन किन तरीके से नुकसान देखने को मिलते हैं और पेन किलर मेडिसिन एडिक्टिव है या नहीं है ये आपको पता चल ही गया होगा। इसलिए आप पेन किलर मेडिसिन लेना बंद कर दें और अपने हेल्थ को इम्प्रूव करें और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें। ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।